अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। ये है बासमती राइस, 1 किलो चावल लिए मैं, इसको अच्छे से 3 बार धो के मैं पानी में भीगने रख दूंगी। और प्याज ली मैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, थोड़ा सा जो है वाइट पेपर है, चिकन मसाला है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी पाउडर है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 कप दही, और खड़े गरम मसालों में से हम लेंगे इलायची 1-4 पीसेस, लौंग 1-4 पीसेस, थोड़ा सा शाजीरा और 1 तेज़पत्ता जिसको मैं छोटा कट कर ली, और इसमें हरा धनिया और पुदीना, थोड़ी सी बड़ी वाली हरी मिर्ची जिसकी तेज़ी बिल्कुल कम रहती है, ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटे हैं जो मोटे मोटे मैं इसको खड़े कट कर ली। इसके लिए हम लेंगे 2 फुल चिकन, ये चिकन को मैं बॉईल करके रख ली, इसका पानी हम अखनी में डालेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिए मैं अब इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा हम, ऑनियन फ्राई करेंगे, अब ऑनियन फ्राई करने रखेंगे हम, इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करेंगे। मैं डाली खड़े गरम मसाले, ये अब हमारी प्याज हो गई, अब इसमें हम अदरक लहसुन सॉरी चिकन डालेंगे, इसमें हम चिकन को अच्छा फ्राई कर लेंगे, लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ी देर फ्राई करके आप इसको थोड़ा देख आहिस्ता हिलाइए, क्योंकि मैं इस चिकन को पहले से बॉईल की हुई थी मैं, तो मेरा चिकन देखिए अभी से टेंडर हो गया ये, तो मैं इसको बिल्कुल साइड में कर दूंगी। अब हम ये 1 कप हमारा दही डाल देंगे इसमें, दही को भी हम इसमें अच्छे से भून लेंगे साइड में, चिकन को साइड में रख के भूनिए आप, जब पानी डालते तब सब मिक्स हो जाएगा एक साथ। ये हल्दी और नमक, ये चिकन मसाला, ये है वाइट पेपर, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, ये अब टमाटे डाल देंगे हम, इसको थोड़ी देर के लिए ढाप के रख देंगे, ऐसा हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया भी पुदीना, और अच्छे से इसको मिक्स करके हम इसमें पानी डालेंगे। ये जो पानी है, ये चिकन को मैं जो बॉईल की थी वो पानी डाली मैं इसमें अखनी के लिए, अगर आपको कम लग रहा हो तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं इसमें। चलिए अब इसमें हम चावल डालेंगे, ये चावल मैं पहले से सोख करके रख ली थी मैं, ये देखिए अब हमारा तकरीबन चावल होने पे है, इसमें भी और इतना पानी है, दम पे रखने के लिए इस पे थोड़ा सा हरा धनिया भी पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्ची, और इसको हम ढाप के हल्की आंच पे रख देंगे।
ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो गया। चिकन भी हमारा एकदम टेंडर हो गया। चलिए मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। मैं ये तो चलिए मैं डिश आउट कर ली। मैं देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनाई है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बनाई है। ये देखिए इसका चिकन भी बिल्कुल भी एकदम टेंडर हो गया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टेस्टी है। मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो अब मैं मेरी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।